नमस्कार मम्मी अम्मी किचन फूड में आपका स्वागत है। और आज मैं जा रही हूँ हरा लहसुनी बाजरा कढ़ी बनाने। ये तो सर्दी के मौसम में खाई जाती है, लेकिन अभी तो सर्दी इतनी है नहीं, थोड़ी कम है। सर्दियों में मैं बनाई थी लेकिन आपको दिखा नहीं पाई। अभी मैं बना के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ओले पड़े हैं, बारिश हुई है तो थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये बाजरा के आटा है, छोटी सी कटोरी में, एक कटोरी। ये जैसे बेसन लेते हैं, बेसन की जगह पे बाजरा के आटा है, बेसन नहीं लेना। और इसे ना अच्छी तरह से छन्नी में छान लेते हैं। जो थोड़ा बहुत इस बाजरा के ऊपर के जो छिलका वगैरह है इसमें आ गया, यह अच्छी तरह से छन गया है। अब इसमें दही, हल्दी, हल्दी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छी तरह से घोल लेते हैं। हाथ से ही फेटे इसको अच्छी तरह से। इसमें कोई गांठ नहीं बनता, बाजरा के आटा बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। और ये दही ही फेटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बेसन में गांठ आ जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन इसमें बाजरे के आटा में नहीं आती। ये हो गया। हींग, तेल गरम हो गया है। और ये हरा लहसुन है, पत्ता वाला लहसुन है, इसलिए इसको हरा लहसुन ही बोलते हैं। लहसुन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा। लाल मिर्च, जीरा, और ये लहसुन पत्ता जो थी, पत्ता मिक्सी में मैं पीस ली हूँ। इसमें थोड़ा जीरा मिर्च डाल दी हूँ, ये रहा। इसे भी अब इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा लहसुन हल्का सा पक जाए, ज़्यादा नहीं जलाना है लहसुन को, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगी अच्छा। लहसुन हो गया है, पक गया है। अब ये पीसा हुआ लहसुन, जो लहसुन के पत्ता थी वो मैं पीस ली थी, ये रहा। बस अब इसे ज़्यादा नहीं जलाना। अब इसके अंदर ये बाजरे के आटा और दही में मिक्स किया हुआ घोल डाल दिए।
20 मिनट में ये कढ़ी तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी और पानी इसमें लगेगी। जब तक इसमें उबाल नहीं आएगी तब तक तेज़ गैस पे इसको पकाऊंगी। उबाल आने के बाद फिर फ्लेम स्लो कर दूंगी। देखिए ये पक गया लहसुनी बाजरा के कढ़ी। ये शुगर वाले के लिए भी फ़ायदेमंद है, बाजरा गर्म होता है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तड़का के लिए घी, ये देखिए बहुत ही टेस्टी होता है। इधर मैं तड़का लगाती हूँ, गैस तेज कर लेती हूँ। घी गरम हो गया, इसमें लहसुन, ये भी हरा लहसुन के जड़ है, पत्ता वाला लहसुन के पत्ता मैं पीस ली थी। बाजरा के आटा है, घी के तड़का ज़रूरी होता है ताकि गला में अटके ना। थोड़ा सा हींग और डाल दी मैं। लहसुन अच्छी तरह से पक गया है, गैस बंद करती हूँ और इसमें लाल मिर्च, ये देखिए तो लीजिए हरी लहसुनी बाजरा के कढ़ी बनके तैयार है। और आप भी ट्राई कीजिए अपने घर में। अच्छा लगे तो मम्मी यम्मी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए।